नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। आमला के वार्ड क्रमांक 9 स्थित अतुलकर सभागृह में आज दलित एक्शन कमेटी आमला के बैनर तले नवीन कार्यकारिणी विस्तार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य दलित समाज के उत्थान एवं समाज की आवाज़ को बुलंद करने के लिए युवाओं की टीम विस्तार किया जाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि प्रदेश कांग्रेस प्रतिनिधि मनोज मालवे, संभागीय अध्यक्ष दलित एक्शन कमेटी विजय रसिया अतुलकर, शिवप्रसाद गुजरे, विनोद नागले, छन्नू बेले, अजय सोलंकी, पूरन बामने, मनोज दीवाने, बबलू निराहापुरे सहित सामाजिक बंधु एवं गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। सम्मान समारोह के मौके पर मनोज मालवे ने कहा कि दलित समाज के विकास के लिए आमला नगर से विजय अतुलकर के रूप में दलित एक्शन कमेटी संभागीय अध्यक्ष हमें मिला है। यह खुशी की बात है कि अतुलकर के मार्गदर्शन में दलित समाज के युवाओं की टीम ने आमला ब्लॉक दलित एक्शन कमेटी का मोर्चा संभाला। उन्होंने नवीन कार्यकारिणी को शुभकामनाएं प्रेषित की। इस दौरान उपस्थित जनों द्वारा सर्वप्रथम संभागीय अध्यक्ष दलित एक्शन कमेटी विजय अतुलकर का पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया। बाद में नवीन ब्लॉक कार्यकारिणी का गठन कर नवीन पदाधिकारियों को नियुक्ति प्रदान की गई। दलित एक्शन कमेटी ब्लॉक अध्यक्ष भीमनगर निवासी मोनू पाटिल, प्रवक्ता वीरेंद्र बर्थे, उपाध्यक्ष नितिन खातरकर, सचिव विजय पाटिल, नगर अध्यक्ष कृष्ण चंद सुरे एवं मीडिया प्रभारी पत्रकार हरिप्रसाद गोहे के नामों की घोषणा कर उन्हें नियुक्ति प्रदान की गई। समारोह में उपस्थित सभी सज्जनगण, भाई संभागीय अध्यक्ष विजय अतुलकर जी, वीरेन बर्ते जी, भाई शिव गुजरे जी शिक्षक, भाई विनोद नागले जी, हमारे पत्रकार साथी भाई नासिर खान जी, हरीश गोहे जी और युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष भाई अजय ठाकुर जी और नवनिर्वाचित ब्लॉक कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी साथी भाई बबलू नीरापुरे जी, आज दलित एक्शन कमेटी ब्लॉक कार्यकारिणी का जो गठन किया गया है, निश्चित ही हमारे समाज को एकजुट होकर के, संगठित होकर के और सामाजिक हितों की रक्षा के लिए सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ लड़ने की आवश्यकता है। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा सामाजिक उत्पीड़न का शिकार हमारा समाज होता है, हमारे लोग होते हैं और हमारे संगठन ना होने की स्थिति में हम लोग कहीं ना कहीं एकजुट नहीं हो पाते हैं और हमारे समाज को न्याय दिलाने में हम लोग पिछड़ जाते हैं, जिससे कि हमारे समाज को, हमारे लोगों को न्याय पाने में बहुत कठिनाइयाँ होती हैं। और भी इसके साथ में कई सामाजिक बुराइयाँ हैं, सामाजिक कमियाँ हैं जिनको हमें मिलकर के दूर करना चाहिए। और समाज के सभी साथी जो यहाँ पर उपस्थित है, आप राजनीतिक तौर से किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, किसी भी दल के हो सकते हैं, तो दलगत से उठकर समाज के लिए पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए। और हमारे जितने भी साथी हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देख लीजिए, पत्रकार बंधु देख लीजिए, शासकीय कार्यालय से लेके सभी लोग हमारे समाज के भाई बहन बहुत ही अच्छे तरह से कार्य कर रहे हैं। और समाज को आगे बढ़ाने के लिए जो आज यहाँ पर ये जो बैठक आहूत की गई है, जिसमें आज यहाँ पर अध्यक्ष उपाध्यक्ष इनका निर्वाचन होना है, निश्चित ही आमला शहर में इस बात में क्रांति तो आई है कि हर जब भी कोई ऐसा कार्यक्रम होता है, जैसा कि इसके पहले जो एक इधर सारनी तरफ एक बच्ची के साथ जो दुष्कर्म हुआ था, उसमें जो समाज की एकजुटता दिखी, निश्चित ही बहुत ही तारीफ के काबिल है। और ऐसे समाज पे अगर कहीं अत्याचार होता है तो जितने भी सामाजिक बंधु, खासतौर से जो युवा साथी हैं, वे आगे आकर इस समाज को नई गति देने का काम करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शिव गुजरे जी उपस्थित है युवा मैत्री समिति के माध्यम से युवाओं को जोड़ने का काम करने वाले
अमित भुरमाड़े जी भी हमारे बीच उपस्थित है, साथ ही SC ST कांग्रेस विभाग के ब्लॉक अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय विनोद मीरापुरे जी भी यहाँ उपस्थित है, साथ ही यहाँ ABVP के माध्यम से अपनी अलग बात रखने वाले नितिन खातरकर जी, सन्नू भेले जी और बहुत सारे युवा साथी यहाँ उपस्थित है। भले हम अलग अलग मंचों पर खड़े होकर के अपनी बात रखते हैं, लेकिन जब हमारे हितों की लड़ाई लड़ने की बात हो तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक मंच पर होकर एकजुट होकर के हमारी हितों की लड़ाई के लिए सभी को एक साथ होकर के आगे बढ़ना पड़े। हमारे वर्ग के लोग भाजपा में भी है, हमारे वर्ग के लोग कांग्रेस में भी है, सपा में भी है, बसपा में भी है, सभी दलों में है, लेकिन जब समाज के हित की बात आए तो हम सब लोगों को दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके सबसे पहले समाज के हित की बात करना चाहिए, उसके बाद दल की बात होनी चाहिए। मैं इस अवसर पर बहुत ज़्यादा ना कहते हुए पुनः विजय अतुलकर जी को बधाई देता हूँ और विजय अतुलकर जी से इस मंच के माध्यम से आग्रह करता हूँ कि जो बीड़ा आपको संभागीय अध्यक्ष बना करके सौंपा गया है उस कार्य के लिए आप सतत प्रयास करें, हमारा सहयोग आपके साथ सदैव बना रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। नागरिक दलित वर्ग के युवा साथी और हमारे दलित समाज को आगे बढ़ाने के उद्देश्य को लेकर समाज की हर गतिविधि और समाज कैसे आगे बढ़े इसी को लेकर के आज यहाँ पर दलित एक्शन कमेटी का गठन किया जा रहा है। एक्शन का मतलब होता है कि तत्काल ही उस पर कार्रवाई हो। हमारे किसी दलित समाज के ऊपर यदि अन्याय अत्याचार हो रहा है या उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो दलित एक्शन कमेटी तत्काल ही उस परिवार के सदस्य को या दलित समाज के व्यक्ति पर हो रहे अत्याचार को लेकर के तत्काल प्रशासन से मांग कर और प्रशासन। नमस्कार भाई साहब। नमस्ते, क्या शुभ नाम है आपका? वीरेंद्र पर्थ। ज्ञात हुआ नगर में आज दलित एक्शन कमेटी का गठन कर नवीन कार्यकारिणी घोषित की गई है, कौन कौन अध्यक्ष और क्या? मोनू पाटिल जी को आमला ब्लॉक का अध्यक्ष बनाया गया है और नितिन खातरकर जी को उपाध्यक्ष बनाया है, विजय पाटिल को सचिव बनाया है और हमारे संभागीय अध्यक्ष विजय अतुलकर जी, प्रदेश मंत्री दीपक बरथे जी, हरिप्रसाद गोहे को दलित एक्शन कमेटी का मीडिया प्रभारी बनाया है और वीरेंद्र बरथे को प्रवक्ता बनाया गया है। बतौर प्रवक्ता मैं जानना चाह रहा हूँ कि कमेटी के गठन के बाद क्या दिशा निर्देश जारी किए, कैसे मिलकर एकजुट होकर कार्य करेंगी? हमारी कमेटी समाज के दबे कुचले वंचित लोगों के लिए हमेशा ही आगे आगे आकर के कार्य करेगी। हमारे समाज के ऊपर हो रहे अत्याचार अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हमारी यह कमेटी हमारे वर्ग के लोगों के लिए हमेशा तत्परता से कार्य करेगी और जल्दी हम जो हमारी दलित बेटी के साथ दिल्ली में घटना घटित हुई है, बलात्कार जैसा कृत्य किया गया है, उसको लेकर भी हम मामला में ज्ञापन देंगे और धरना प्रदर्शन भी करेंगे। धन्यवाद। खबर समय जगत के लिए आंवला से हरिप्रसाद गोहे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.